नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूँ। शिमला के छोटा शिमला के ब्रॉक हाउस में रहने वाले एक आईएएस अधिकारी जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके बेटे ने सुसाइड किया है और अपना ही लीला जो है समाप्त की उन्होंने। थोड़ी देर पहले तकरीबन 2 बजे के आसपास की ये घटना है जब उनके बेटे ने जो है अपने आप को फंदा लगाकर अपनी जान जो है वो दे दी। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 27 साल के आसपास जो है इस युवक की जो है वो उम्र थी। और हिमाचल प्रदेश में जो अधिकारी रहे हैं, पूर्व में आईएएस अधिकारी रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव रहे हैं अमिताभ अवस्थी, उनके ये बेटे थे मुदित अवस्थी, इनका नाम जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस सुसाइड के पीछे क्या कारण रहे होंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास जब लोगों ने देखा, आसपास के लोगों ने देखा, क्योंकि घर पर उस दौरान जो है अधिकारी मौजूद नहीं थे। एक बड़ा ये मामला है, इस तरह से एक अधिकारी के बेटे जो कि आईएएस अधिकारी हैं, वर्तमान में वाटर सेस आयोग जो बनाया गया है उसके ये अध्यक्ष भी हैं, लेकिन बीते दिनों ये रिटायर हो गए हैं। अब इस तरह का मामला सामने आया है और 27 साल जो है बेटे की इनकी उम्र बताई जा रही है। मुदित अवस्थी इनका नाम था, अमिताभ अवस्थी इनके पिता, जो कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पदों में रहे हैं अधिकारी और आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं और उसके बाद इनको वाटर सेस का जो है वो अध्यक्ष लगाया गया था। इनके बेटे ने ये अचानक से इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसको लेकर पुलिस जाँच में जुटी है। छोटा शिमला पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद जो है शव को कब्जे में ले लिया गया है और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शव को भेजा गया है, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होना है। लेकिन एक बड़ी ही दुखद घटना है और क्योंकि जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में देखने में आया है कि युवा अपने आप को जो है इस तरह की कदम उठाने में मजबूर कर रहे हैं, क्या इसके पीछे जो है वजह रही होगी, हालांकि इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही कोई सुसाइड नोट भी, जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक कोई सुसाइड नोट जो है वो मौके से नहीं मिला है। लेकिन खुद को इन्होंने फंदे से जो है टांग कर इन्होंने अपनी जो है वो मृत्यु की है, फंदा इन्होंने लगाया है, अपनी जीवन लीला जो है इन्होंने समाप्त यहाँ पर कर दी है। एक बड़ा सदमा निश्चित तौर पर एक पिता के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए भी ये सोचने वाली बात होगी कि क्यों युवा जो है इस तरह से आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। क्या कोई डिप्रेशन जो है इस युवक को भी था, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देखते आए हैं, पिछले कुछ वर्षों से डिप्रेशन की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, युवा अपने आप को जो है वो डिप्रेशन में, तनाव में ले जा रहे हैं और उसके बाद इस तरह के जो है वो कदम उठा रहे हैं। और नशा भी एक बड़ा कारण है इसके पीछे, हालांकि इस युवक के पीछे, इस युवक की मृत्यु में जो है क्या वजह रही होगी, क्यों इसने जो है आत्महत्या की, ये जांच का विषय है। छोटा शिमला पुलिस मौके पर पहुंचकर जो है वो जांच में जुटी है और तमाम साक्ष्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि मौके से सुसाइड नोट फिलहाल बरामद नहीं हुआ था। अब देखना होगा कि क्या इसके पीछे जो है वो कारण रहे होंगे, क्या कोई तनाव इस युवक को था। मुदित अवस्थी इस युवक का नाम बताया जा रहा है, 27 साल की उम्र है और ये भी बताया जा रहा है कि आईएएस की ये तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पिता भी आईएएस थे, तो ऐसे में बच्चा भी जो है वो इसी दिशा में जाना चाह रहा था और तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन क्यों अचानक से इस तरह का बड़ा कदम जो है उठाना पड़ा और अपनी जीवन को जो है इन्होंने क्यों समाप्त किया, इसके पीछे जो है वो पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। इनके पिता जो कि घर में उस टाइम मौजूद नहीं थे, फिलहाल बताया जा रहा है कि वो भी जो है वो शिमला पहुंच गए हैं। लेकिन बहुत ही दुखद ये घटना और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, देखना होगा क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। दुखद घटना है, छोटा शिमला के ब्रोक हाउस में सरकारी आवास इनको आवंटित हुआ था, इनके पिता जो अमिताभ अवस्थी हैं वहाँ पर ये रहते थे और क्या कारण रहे होंगे, क्यों इन्होंने जो है वो सुसाइड किया, क्यों फंदा लगाया, ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद थोड़ी जो और जो साक्ष्य हैं वो जुटाने के बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद हैं, तमाम साक्ष्य जो है वहाँ पर जुटाने का काम चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।